हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ऑलराउंडर्स। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ मैंगो शेक की रेसिपी और ये बहुत बहुत टेस्टी है। देख सकते हैं कितना ही यम्मी लग रहा है एंड समर्स में तो ये सब पीने का मन करता ही है। तो चलिए इस ड्रिंक को आपको बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है, तो चलिए सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने मैंगो लिया है क्योंकि मैंगो शेक बना रहे हैं। उन्हें हमें एकदम अच्छे से कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े स्लाइस कट कीजिएगा क्योंकि अभी हमें मिक्सर में इसे ग्राइंड ही करना है। तो यहाँ पे जो मैंगो मैंने लिया है ये थोड़े बड़े वाले हैं और जो थोड़े खट्टे आते हैं ना इस मौसम में वो वाले लिए हैं। इससे जो मैंगो शेक है बहुत बहुत अच्छा बनता है। साथ में यहाँ पे आइसक्रीम लिया, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंगो लेते हैं और इन्हें अपने मिक्सर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आम लिए हैं दो बड़े और साथ में एक आइसक्रीम लिया है और इसमें अब मैं चीनी ऐड करूँगी। और वो जो बड़ा वाला साइज़ है उसे अभी रख देते हैं क्योंकि उसे हम लोग अपने डेकोरेशन में लगाएंगे। तो चलिए इसे आप साइड कर लेते हैं। और यहाँ पे अब मैं आधा कप के बराबर चीनी डाल लूँगी क्योंकि मेरा जो आम है थोड़ा खट्टा है। अगर आपका आम थोड़ा मतलब लाइक मीठा हो तो आप थोड़ा कम चीनी डालिएगा। बाकी अब चीनी डाल देते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे इसे। थोड़े बहुत लम्स रह जाएंगे तो उसे रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें एक बार और ग्राइंड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बार ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर इसका देख सकते हैं थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं, ये देखिए। और इसमें हम ऐड करेंगे दूध, और दूध जो है बहुत ठंडा होना चाहिए, लाइक जितना चिल्ड रहेगा उतना ही अच्छा मैंगो शेक बनेगा। तो यहाँ पे दूध को एकदम अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। और इसमें अगर आप मलाई ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उससे बहुत क्रीमी बनेगा और ऐसे तो बच्चे खाते नहीं हैं मलाई, तो इसमें आप डाल देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर आइसक्रीम एक ले लीजिए और उसको डाल दीजिए, इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। और ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालिए, नहीं तो आप वैसे भी आइसक्रीम शेक बना सकते हैं, मैंगो शेक। तो चलिए इसे अब हमने ग्राइंड कर लिया है और कितना क्रीमी टेक्सचर इसका है देख सकते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको दिखाती हूँ अच्छे से। सो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़े कटे हुए मैंगोज़ ले लेंगे, इसे हम जार में डालेंगे सबसे नीचे, ये देखिए। और यहाँ पे आप लोग एक लेयरिंग केक या फिर आइसक्रीम का भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा मैंगो शेक, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप जैसे मैंने सबसे नीचे वाले में मैंगो शेक डाला है, आप चाहे तो मैंगो बीच बीच में भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट मेरे जो मैंगो शेक में थोड़े बहुत मैंगो थोड़े बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने रहने दिया। तो अब देखिए, अब इसे पूरा अच्छे से डाल देते हैं मैंगो शेक ऊपर तक। और अब इसमें मैंने आइसक्रीम ऐड कर दिया है, ऊपर से आप थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दीजिए, फिर मैंगो कटे हुए डाल दीजिए, फिर उसके बाद इसमें कटे हुए कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आमंड डाले हैं और साथ में यहाँ पे आप एक अपना स्पून रख सकते हैं या फिर जो सिपर होता है वो भी रख सकते हैं। स्ट्रॉ वगैरह रखेंगे सुंदर सुंदर से तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास यहाँ पर ये आइसक्रीम का चम्मच था तो मैंने वही डाल दिया जिससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है। सो अब हम लोग का मैंगो शेक एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, अब बस इसका इंतज़ार है पीने का। तो आइसक्रीम पिघलने से पहले मैं इसे अच्छे से पी लेती हूँ एंड आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत, क्योंकि अब मैं ऐसी रेसिपीज लेके आने वाली हूँ। और साथ में देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है। तो और यहाँ पर मैंने एक और बना लिया था अपने भाई के लिए, तो उसमें बहुत सारी आइसक्रीम डली हुई है। तो चलिए अब हम लोग भी इन्जॉय करते हैं और आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में और भी बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। तो तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।